गालियां दे रही है। एक काल लगी गाय बिना मतलब में गाली दे रही तब से, और अब वहीं तक परायत की तरफ से कोई ना बोलो ऐसी गाली दो जो परायत की तरफ से कोई बोल ले। तो एक लड़की बोली है जो चारों भाई हवन की खीर से पैदा थे, उस बात को बताते हुए वो लड़की बोली है क्या पैदा थे, उस बात को बताते हुए लड़की बोली है। तो लक्ष्मण बोले भैया तब से जे गाली दे रही लेकिन हम नहीं बोले, लेकिन अब हम कछु कहो चाह रहे, बोले हाँ हाँ कहो बिल्कुल। तो सीता जी जो जमीन से निकली हुई थी उस बात को बताते हुए लक्ष्मण बोले हैं कि ना जोर करी होती ना शोर करी होती जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ के होती। जब विवाह हुआ है भगवान प्रभु श्री राम का सीता जी के साथ में, दशरथ बारात को लेकर के पहुंचे तो लक्ष्मण का भी विवाह और मिला के साथ में होता है, भरत का विवाह मांडवी के साथ में हुआ, शत्रुघ्न का विवाह सुकीति के साथ में हुआ, चारों भाइयों के विवाह होते हैं। आज महाराज जनक ने जब अपनी बेटी को विदा किया है कहा कि बेटी तुम ससुराल में जा रही हो तो सभी के अनुकूल रहना, सभी का सम्मान करना, क्योंकि बेटी का आन मान सम्मान होता है मायके से डोली जाए ससुराल में पूरा जीवन व्यतीत हो, इसी में बेटी का आन मान सम्मान होता है। पति की सेवा, सास ससुर का सम्मान, जेठ जेठानी का आदर, ननद को प्रेम, देवर से दुलार, कहा सभी के साथ प्रेम भाव से रहना। आज महाराज जनक बहुत रोते हैं और अपनी बेटी सीता को विदा किया है। अरे घनश्याम सिंह जो उसी गांव पड़नपुर से हैं, ये 100 रुपए भेजवा रहे हैं। रावेंद्र सिंह यादव पड़नपुर जो 100 रुपए भेजवा रहे हैं, और दुर्वेश यादव उनके साढ़ू साहब, ब्रजेश यादव भाई रानू भटपुरी सौरिक से आए हुए हैं, ये 501 रुपए हमें भेंट कर रहे हैं और फूलों से स्वागत किया है, और एक एक लोई से सम्मानित कर रहे हैं। और द्रवेश यादव उनके साले डॉक्टर विपिन यादव, पत्नी डॉक्टर खुशबू यादव जो टड़ा रायपुर सौरिक से आई हुई है, ये फूलों के हार से सम्मानित कर रही हैं, और भैया जी ने 501 रुपए से सम्मानित किया है, और समस्त हमारे साथियों का सम्मान कर रहे हैं। भगवान धन के भंडार भरे रहे, दीर्घायु प्रदान करें, धर्म के क्षेत्र में आगे हाथ बढ़ते रहे और समाज का यही सम्मान मिलता रहे, प्रभु से यही कामना करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।
आज मारा जनक बहुत रोते हैं क्योंकि एक पिता को बेटी प्रिय होती है, एक माँ को बेटा प्रिय होता है। तुम्हारा जब पिता किया तो बहुत रोते हैं। जब अपनी चारों बहुओं को लेकर के घर पे पहुंचे तो कहा कि ये बहुएं जो घर पे आई हैं, इनको बहु नहीं बल्कि बेटी की तरह घर में रखना है। आज महाराज इस तरीका से चारों भाइयों के वहां पर विवाह संपन्न होते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए तालियों के साथ में एक भगवान का भजन बोलेंगे, उसके बाद आगे भगवान की पवित्र कथा को श्रवण करेंगे।